बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दो भाई एक शहर में रहते थे। बड़ा भाई बहुत रईस था और छोटा भाई बहुत नदार और मुफलिस था। छोटा भाई अपनी मुफलिसों की वजह से बहुत आजिज आ गया था। एक दिन वो अपनी बीवी से कहने लगा, यहाँ हम कब तक गुर्बत की जिंदगी बसर करते रहेंगे? अब मुझे परदेश जाना चाहिए, शायद मुझे कहीं नौकरी मिल जाए और मुसीबत के दिन कट जाए। ये कहकर वो शख्स अपनी बीवी से रुखसत होकर दूसरे शहर में तलाश रोजगार के सिलसिले में चला गया। इसकी बीवी बेहद परेशान थी, दिल में कहती, ऐ पालने वाले रब, अब तो मेरा शोर चला गया है, अब मुझे खाने को कौन देगा। ये मोमना जब बहुत मजबूर हो गई तो अपने शोर के बड़े भाई के हाँ गई और रो रो कर कहने लगी, भाई मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तुम्हारा भाई मुझे तनहा छोड़कर मजदूरी करने चला गया है, अब सिवाय आपके मैं कहाँ जाऊंगी, आप ही हमारा सहारा है। और रईस अपनी बीवी से कहने लगा, ये मेरी भाभी है, तुम इसे घर का काम काज लेना, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों की खिदमत करेगी, इसको बस खाने के लिए थोड़ा सा दे दिया करो। गर्दिये मोमना आफत रसीदा इसके हाँ काम करती, इनकी खिदमत करती और घर का तमाम काम इसको करना पड़ता। इस पर भी रईस की बीवी इसको ताना देती और अपना जूठा खाना इस गरीब को देती। ये वक्त की मारी इसको खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती। दिन भर इसको काम से फुर्सत ना मिलती। रात को ये अपनी तबाही और जिल्लत पर खून के आंसू बहा देती। इस तरह एक मुद्दत गुजर गई। रात भर अपने शोहर की वापसी की रो रो कर दुआएं करती। एक दिन इस हालत में रो रो कर सो गई। इसने ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाब पोश तशरीफ लाई है और फरमा रही है, ऐ मोमना, तुम अपने शोहर के लिए इतनी मुस्तरिब ना हो, इंशाल्लाह तेरा शोहर सही सलामत तुझसे आकर मिलेगा। अब तुम बावजू और बाखलूस 10 बीबियों की कहानी 10 दिन तक जाए नमाज पर बैठकर सुनो। ये कहानी जुमेरात के दिन से सुनो और जब तेरा शोहर तुझसे आकर मिले तो मीठी रोटी का मलूदा बनाकर इसके 10 लड्डू बनाना और इस पर 10 बीबियों की नियाज देना। इस मोमना ने अर्ज किया, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है और इन 10 बीबियों का क्या नाम है जिनकी मैं नजर दिलवाऊं? जनाब सैयदा ने फरमाया, मेरा नाम फातिमा है, मैं जनाबे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हूँ और 9 बीबियाँ ये हैं, इनको अच्छी तरह याद करना, हजरत सैरा, हजरत आजरा, हजरत मरियम, हजरत आसिया और मेरी बेटियाँ ये हैं, हजरत जैनब, हजरत उम्मे कलसूम, जनाबे फातिमा सुगरा, जनाबे कुबरा, जनाबे सकीना, मुसीबत ज़दा, आफत ज़दा, जिनको करबला से लेकर शाम तक सब मुसीबतें झेलनी पड़ी और इन बीबियों ने सब्र किया। जो शख्स इन मसाइब को मद्देनजर रखते हुए अपने हाजात तलब करेगा, अल्लाह ताला इसकी हाजत जरूर पूरी करेंगे और 10वें दिन इसकी मुराद पूरी करेंगे। जब वो मोमना ख्वाब से बेदार हुई तो वो दिन जुमेरात का था। वो मोमना अपने मोहल्ले में गई और कहने लगी, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, तुम लोग करीब बैठकर इन 10 बीबियों की कहानी सुन लिया करो। इस मोहल्ले की औरतें इसके पास आकर जमा हो गईं। इस मोमना बीबियों की कहानी शुरू कर दी। 9 दिन कहानी को गुजर गए। जब 10वां दिन आया तो ये मोमना क्या देखती है कि इसका शोहर मामालो जर्द इसके दरवाजे पर आया। इसके मोहल्ले वालों ने इसे खबर दी कि तुम्हारा शोहर आ गया है और बहुत सा माल लेकर आया है। मोमना बहुत खुश हुई, फौरन हाई पाक पानी लाई, घर चीनी आटा मंगवा कर इससे
मीठी रोटी पकाकर इसके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नियाज दिलवाई, अपनी सहेलियों के लिए लेकर गई। उन्होंने बहुत एहतराम से वो नियाज के लड्डू ले लिए। इसके बाद अपनी भाभी के पास लड्डू लेकर गई और कहा, मैंने 10 बीबियों की कहानी सुनी थी, मेरी दुआ कबूल हो गई, मेरा चोर घर आ गया है, मैंने उसकी नजर दिलवाई है, ये उसके हिस्से में से तुम्हारे लिए लाई हूँ। इस मगरूर औरत ने इस लड्डू को ये कहकर वापस कर दिया कि हम ऐसी ईंट पत्थर जैसे चीजें नहीं खाते। ये बेचारी लड्डू वापस ले आई और उसे भी खाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इस मगरूर औरत का हाल सुने, वो रात को सो गई, सुबह क्या देखती है तो इसके बच्चे मर गए, गल्ला और सामान गायब हो गया। जब घर में कुछ ना रहा तो वो पागल सी हो गई, दोनों मियां बीवी रोने लग गए। जब वो काफी वक्त गुजर गया तो इसने कहा, या अल्लाह, अब भूख से मेरा बुरा हाल है, मैं क्या करूं, घर में क्योंकि भूसी मिली, सोचा इसको पका कर खा लूं। जैसे ही इसको छुआ, इसमें बराबर के कीड़े नजर आए, इसने फौरन भूसी को फेंक दिया। जब इसके चोर ने ये माजरा देखा तो कहने लगा, मेरी बहन के घर चलो, वहाँ पर रोटी मिलेगी और मेरा भनोई मुझे लाजमी खाने को देगा। घर का ताला बंद करके दोनों मियाँ बीवी चल पड़े। इनके पास कुछ ना था जो किसी सवारी में जाते, पैदल चलने से इनके पैरों में छाले पड़ गए। रास्ते में इनको हरा भरा खेत नजर आया। इसके शोर ने कहा, यहाँ कुछ देर ठहर, मैं हरे चने लाता हूँ, इसको खा कर पानी पी लेंगे तो रास्ता चलने की कुवत आ जाएगी। इसके शोर ने बहुत सी टहनियाँ चन्नों की अपनी बीवी के हाथ में दी। जैसे ही इसकी बीवी इसको हाथ लगाती, चन्ने की टहनियाँ फौरन सूख जाती और घास बन जाती। ये औरत बहुत घबरा गई। ये दोनों इस घास को फेंक कर आगे बढ़ गए। रास्ते में बहुत तरोताजा गन्ने का खेत मिला। इसका शोर भूख और प्यास से बेताब था, गन्ने को देखकर और भी बेताब हो गया। इसने बहुत से गन्ने खेत से तोड़े और बीवी को ला कर दिए और कहा, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाता, गन्ने खा लो ताकि हमें कुछ कुवत आ जाए। जूं ही उस औरत ने गन्ने को छुआ, गन्ना फौरन साफ बन गया। ये दोनों इनको फेंक कर भाग गए। बर वक्त शख्स अपनी बहन के घर पहुंच गया। इसकी बहन ने पलंग ला कर बिछा दिया। बहन के घर का खाना पका तो सब घर वालों ने खाना खा लिया। बाद में इसकी बहन को याद आया, अपने नौकर से कहने लगी, अगर कुछ खाना बचा हो तो मेरे भाई और भाभी को दे आओ। नौकर ने पतीलियां पूंछ कर जो कुछ था उन दोनों को ला कर दे दिया। ये लोग कई दिन के भूखे थे, खाना देखकर बहुत खुश हो गए। इसने अपनी बीवी से कहा, उठाओ खाना, खुदा ने कई दिन के बाद दिया है, खा लें। जैसे ही इसकी बीवी ने हाथ धोकर खाने के लिए रोटी तोड़ी, महसूस करती है कि खाने में सख्त बदबू आ रही है, खाना सड़ गया है। दोनों अपना सर पकड़ कर बैठ गए और कहने लगे, या अल्लाह, हम कब तक भूख में रहेंगे, हमारी जान निकल जा रही है। इसकी बीवी ने खाने को दफन कर दिया और दोनों भूख से सो गए। रात किसी तरह गुजर गई, सुबह हो गई तो शोर ने बीवी से कहा, यहाँ एक बादशाह मेरा दोस्त है, चलो उसके यहाँ चलते हैं, देखें इस मुसीबत के आलम में वो हमारी क्या मदद कर सकता है। ये दोनों बादशाह के पास गए। दरबारी ने बादशाह को इत्तला दी के हजूर, आपके पास एक मर्द और एक औरत मिलने आए हैं और बहुत बुरी हालत में हैं। वो कहते हैं कि मेरी तरफ से बादशाह से अर्ज करो कि मुझसे मिलने। बादशाह ने मुलाजिम से इन दोनों को अंदर बुला लिया और उसको देखकर पहचान गया। उसको एक आलादार कमरा दिया और कहा, तुम दोनों गुसल करके आराम करो। बादशाह ने हुक्म दिया, हमारे मेहमानों को 7 रंग का खाना भिजवा दो। बादशाह के हुक्म के मुताबिक
सात खाने उन दोनों के लिए लगा दिए गए। इसका शोर बहुत खुश हो गया, बीवी से बोला, जल्दी उठाओ, अल्लाह ने हमको नेमत भेजी है। बीवी हाथ धोकर दस्तरखान पर बैठी, वो सड़ गया और ईड़े नजर आने लगे। इसका शोर हैरान हो गया कि ये क्या माजरा है। अगर बादशाह से शिकायत करते हैं तो वो बादशाह नाराज होगा कि ताजा खाना भिजवाया और तुम हमको बदनाम करते हो। इसका शोर बहुत घबरा गया और बीवी से कहने लगा, अब क्या करें। बादशाह कहेगा, इन लोगों ने जादू कर दिया है। गार्जी ये दोनों खाना लेकर बाहर गए और जमीन में दफन कर दिया और नौकरों से कहा कि बर्तन वापस ले जाओ। इसका शोर बहुत हैरान हुआ कि या इलाही, ये क्या हम उजड़े हैं। ये औरत बहुत घबराई और जाकर सैन में बैठ गई। इसका शोर अपनी बीवी से कहने लगा, नहीं मालूम हमसे कौन सी खता हो गई जो हम पर ऐसा अजाब नाजिल हुआ है। बीवी कहने लगी कि मुझसे एक गुनाह जरूर हुआ है। शोर ने कहा, ए कमबख्त, तुझसे क्या खता हुई। शोर ने कहा कि जल्दी बताना था। बीवी कहने लगी, जब तुम्हारा भाई परदेश गया था उसका कहीं पता ना था, तब तुम्हारी भाभी बहुत परेशान रहा करती थी। उसने ख्वाब में देखा कि एक निकाब पोश बीबी आई और उन्होंने फरमाया कि 10 बीबियों की कहानी सुनो, 10 दिनों में तेरा शोर घर आ जाएगा। तुम्हारी भाभी ने जुमेरात के दिन से बीबियों की कहानी सुनी और 10वें दिन तुम्हारा भाई आ गया। तुम्हारी भाभी ने गुसल किया, घी और चने की रोटियां पकाई, इसका मलादा तैयार करके 10 लड्डू बनाए और 10 बीबियों की नियाज दिलवाई और एक लड्डू मेरे हिस्से का लेकर आई। मैंने वो लड्डू लेने से इनकार कर दिया। मुझसे बस ये गुनाह सरदत हुआ है और उसी वक्त से हम पर ये मुसीबत नाजिल होना शुरू हो गई। शोहर ने कहा, कमबख्त, तूने ऐसा तकबर के कलामात कहे, जल्दी तौबा कर और माफी मांग ताकि हमें इस बला से निजात मिले। वो औरत उसी नहर में से गुसल करने लगी और वजू किया और नमाज पढ़कर रो रो कर दुआ की, ए बिन्त मोहम्मद, इस मुसीबत के आलम में मेरी मदद कीजिए। शोर कहने लगा, हमारे पास कुछ नहीं, हम किस पर नजर दिलवाएं। ये कहकर वो रोने लगा और उसने नहर से रेत निकाल कर 10 लड्डू बनाए, इस पर 10 बीबियों की नियाज दी, वो लड्डू मोती चूर हो गए। ये देखकर दोनों मियां बीवी दरूद पढ़ने लगे। 5 लड्डू शोर ने खाए और 5 लड्डू उस औरत ने खा कर पानी पिया और खुदा का शुक्र अदा किया। शोर ने कहा, अब जल्दी चलो, हमारी खता माफ हो गई। अब वो घर जाकर देखते हैं उनका मकान असल हालत में है, बच्चे जिंदा हैं और नौकर घर के काम में मसरूफ हैं। मुला वगैरह जिस तरह भरा था वैसे ही है, बच्चे तिलावत कुरान पाक कर रहे हैं। बस माँ बाप को देखकर बहुत खुश हो गए। माँ बाप ने अपने बच्चों को जिंदा देखा तो बहुत खुश हो गए और दोनों दरूद के नारे बुलंद करते रहे, आओ सब मिलकर जनाबे सैयदा की बारगाह में दुआ करें, जिस तरह आपने सपुर्द की खाक को माफ कर दिया, अल्लाह पाक हम सब की खता माफ करे और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।